नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आई है WBHRB यानी कि वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है फैसिलिटी मैनेजर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है ये, जो कि उम्मीद है कि परमानेंट की जा सकती है आगे फ्यूचर में। डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 819 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन रखी गई है। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, जो आवेदन करने से पहले आपको जानना जरूरी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल रोजगार अवसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आई है WBHRB की तरफ से। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट डिटेल्स की बात की जाए तो फैसिलिटी मैनेजर के लिए बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई हैं। जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल की तरफ से आ रही है नोटिफिकेशन, इसलिए वेस्ट बंगाल रहने वाली है। 819 कुल मिलाकर के वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स, कोई भी डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर ही पूरी की पूरी सिलेक्शन की जाएगी। हालांकि इसमें जो सैलरी रखी गई है वो 7,100 से लेकर के 37,600 के बीच में रखी गई है, 3,600 के ग्रेड पे के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। TED और HRA मिला देने के बाद ये सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी दोस्तों, तो सैलरी की तरफ से बिल्कुल भी सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आवेदन करने के लिए स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि www.wbhrb.in है। उस पर जाकर के करियर का बटन होगा, जिस पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जिस पर अपनी डिटेल्स को भर देने के बाद, फीस पेमेंट कर देने के बाद आप सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे। 14 फरवरी 2019 से इसके लिए आवेदन शुरू होने हैं और 25 फरवरी 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 11 दिनों के लिए ही पोर्टल खुलेगा। 18 से 39 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.wbhrb.in पर जाकर के आपको इससे रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियां मिल सकती हैं। हालांकि इसके लिए आवेदन करने का लिंक और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।